वनडे वर्ल्ड कप 2023 में स्पिन गेंदबाजों पर सभी की खास नजरें होंगी, क्योंकि टूर्नामेंट भारत की मेजबानी में खेला जा रहा है। भारतीय पिचें स्पिनर्स के लिए हमेशा ही मददगार साबित हुई हैं। इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि स्पिनर्स भारतीय पिचों पर मददगार साबित होंगे। हम आपको ऐसे कुछ स्पिनर्स के बारे में बताएंगे जो इस विश्व कप में कई बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर नचा सकते हैं। पहला नाम कुलदीप यादव। वर्ल्ड कप से पहले कुलदीप यादव अच्छी लय में दिख रहे हैं। हाल ही में खेले गए एशिया कप में कुलदीप ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया था। ऐसे में भारतीय पिचों पर कुलदीप का बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर नचाना लगभग तय है। कुलदीप यादव कि अगर भारत में वनडे के आंकड़ों को देखा जाए तो कुलदीप ने 37 मुकाबलों में 61 विकेट झटके हैं, जहां उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 18 रन देकर 4 विकेट झटकना है। वहीं उन्होंने 4.86 की इकोनॉमी से रन खर्चे हैं। दूसरा नाम रविचंद्रन अश्विन। अनुभवी भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भारतीय पिचों पर बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। अश्विन अच्छी स्पिन के अलावा अपने साथ तरह तरह की वैरायटी लाते हैं। ऐसे में बल्लेबाजों के सामने वो कई मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। भारतीय सरजमी पर अश्विन के टेस्ट आंकड़े तो बेहद शानदार हैं, ये सभी को पता है। वहीं अगर ओडीआई में देखा जाए तो अश्विन ने भारत में अभी तक 44 मैचेस खेले हैं, जहां उन्होंने 5.07 की इकोनॉमी के साथ 69 विकेट झटके हैं और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है 24 रन देकर 3 विकेट झटकना। तीसरा नाम ऑस्ट्रेलियाई स्पिन गेंदबाज एडम जंपा। ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जंपा वर्ल्ड कप में जलवा बिखेर सकते हैं। जंपा खासकर भारत के लिए मुसीबत बन सकते हैं। विराट कोहली के खिलाफ जंपा का रिकॉर्ड बेहद शानदार है, ऐसे में उन्हें भारतीय पिचों पर खेलना आसान नहीं होगा। वहीं एडम जंपा के भारत में ओडीआई आंकड़ों को देखा जाए तो उन्होंने ओडीआई में भारतीय सरजमी पर 16 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 27 विकेट झटके हैं और वहीं उनकी इकोनॉमी 5.07 की है। ऐसे में एडम जंपा से ऑस्ट्रेलियाई टीम को काफ़ी उम्मीदें होंगी और अगर ऑस्ट्रेलियाई स्पिन गेंदबाजी की बात की जाए तो जंपा टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे। चौथा नाम इंग्लैंड के आदिल रशीद। इंग्लैंड के लेग स्पिनर आदिल रशीद को अनप्लेएबल गेंदों के लिए जाना जाता है। इंग्लिश स्पिनर को भारतीय सतहों पर खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। राशिद अनुभवी स्पिनर्स में शुमार होते हैं। हालांकि आदिल रशीद के अगर भारत में ओडीआई में आंकड़ों को देखा जाए तो शायद ये टीम को उतना कॉन्फिडेंस ना दे, लेकिन राशिद ने और फॉर्मेट्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और T20 में भी राशिद ने कमाल किया है। राशिद ने भारत में 4 मैचेस खेले हैं और इनकी इकोनॉमी 7 के ऊपर की है, जो थोड़ी चिंताजनक बात हो सकती है। पांचवा नाम युवा श्रीलंकाई स्पिनर दुनित वेलालागे। श्रीलंका के युवा स्पिनर दुनित वेलालागे ने एशिया कप में भारत और पाकिस्तान जैसी टीमों के स्टार बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर नचा दिया था। वेलालागे के आगे लगभग सभी बल्लेबाज नाकाम हुए थे, ऐसे में भारतीय पिचों पर उन्हें खेलना और भी मुश्किल हो सकता है। हालांकि वेलालागे ने अभी तक भारतीय सरजमी पर मात्र 3 ओडीआई मुकाबले खेले हैं, जो कि इसी साल भारत और श्रीलंका के बीच हुई सीरीज में खेला था, लेकिन एशिया कप जो उनके ही देश में खेला गया था वहां उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था। छठा नाम न्यूजीलैंड के स्पिनर मिचेल सैंटनर। न्यूजीलैंड के स्पिनर सैंटनर भारत में बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। सैंटनर न्यूजीलैंड के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले स्पिनर्स में शुमार हैं। वो विश्व कप 2023 में न्यूजीलैंड के मुख्य हथियार भी साबित हो सकते हैं। सैंटनर लगातार IPL भी खेलते हैं, जिससे उनको इंडियन कंडीशंस में काफ़ी मदद मिलेगी। वहीं सैंटनर के भारतीय कंडीशंस में ODI के आंकड़ों को देखा जाए तो उन्होंने ODI में मात्र 3 मैचेस इंडिया में खेले हैं, जहां उन्होंने 10 विकेट झटके हैं। सातवां नाम अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान। करमाती खान के नाम से मशहूर अफगानिस्तान के फिरकी गेंदबाज राशिद खान भारतीय सरजमी पर काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। IPL में राशिद बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान कर चुके हैं और राशिद दुनिया भर में अलग अलग लीग्स भी खेलते हैं और यहां पर भी उनका प्रदर्शन शानदार रहता है। ऐसे में अफगान टीम को उनसे भी बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होगी, वहीं उनसे बल्लेबाजी में भी टीम को बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होगी। तो ये थे वो 7 स्पिनर्स जिनसे इस वर्ल्ड कप बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीदें होंगी और ये खिलाड़ी अपने फिरकी के जाल में बल्लेबाजों को फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा स्पिनर अधिक प्रभावी होगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपके हिसाब से कोई और स्पिनर जो इनके अलावा अधिक प्रभावी होगा तो भी हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव ABP लाइव को।